सिख हिंदू। बोलो भाई। हेलो। हाँ जी भाई। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते सर, क्या बताना चाहेंगे सर, आप? आवाज आ रही है मेरी? आप मुझे लाइटन करना चाहते हैं, मुझे लाइटन करें सर पहले। हाँ सर, मैं आपको थोड़ा हिंदू धर्म के बारे में बताना चाह रहा था जी बताइए। सर। हिंदू धर्म पे क्या सर, आज के दिन में दो तरफ से अटैक हो रहा है जी। एक तो मुलैद की तरफ से, आपकी तरफ से, जिस हिसाब से आप सुनिए हैं और वैसे मजाक उड़ा रहे हैं सर। और दूसरा अटैक सर इनकी तरफ से हो रहा है, जो ये नीरज अत्री और ये जो भी हिंदू जो चैनल खोल के बैठे हैं, जो अपने आप को सनातनी वगैरह कहते हैं साहब। अब सर इसमें दिक्कत ये आ रही है कि सबसे ज्यादा नुकसान जो हिंदू धर्म का हो रहा है ना जी, ये आज इनकी जो सनातनी और इनकी तरफ से हो रहा है। क्योंकि ये हिंदू धर्म को इतना ज्यादा इन्होंने मतलब मेलाफाइड कर कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। मतलब ये हिंदुओं को उस रास्ते पे लेके जा रहे हैं जी, जिस रास्ते पे क्या है, मुसलमान पहले चल के बदनाम हो गए। और अब दूसरी तरफ से दिक्कत ये आ रही है कि साहब, अब आपके जो फॉलोवर हैं वो केवल नए नए, क्योंकि हिंदुओं में थोड़ा पहले ये था नहीं इतना ज्यादा मुलैद होने का, आपको देख देख के अब कुछ केवल फैशन के चक्कर में मुलैद हो गए जी। क्योंकि अच्छा, अब हिंदू धर्म को, हाँ यानी हम जी, कूल हैं, यानी हम कूल हैं तो हमारे जैसा बनना चाहते हैं। तो क्या आपको क्या हो गया अगर फैशन आइकॉन है बेचारे सर, यंग? फैशन आइकॉन है अगर यंग 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 मतलब अच्छे अच्छे यंग यंग अच्छे अच्छे हिंदू बच्चे हारिस को देख के हारिस जैसा बनना चाहते, तो क्या नहीं इसमें बुरी बात है यार? सर, पर उनको हिंदू धर्म का पता ही नहीं और वो वैसे ही इसकी बुराइयां करते रहते हैं जी, अच्छा जैसे चले, मतलब मैं और पे मेरे धर्मों की भाई जैसे। हाँ आपका थोड़ा सा पॉइंट आया, जी मैं सर, पॉइंट पर पॉइंट चलते हैं, बिकॉज आई हैव टू मूव लॉट क्विकर देन दैट, और आप बाद में भी आते रहिएगा। ओके ओके सर, आपने देखें अभी एक बात की कि एक मुल्हिद एथियस्ट अटैक कर रहे हैं रीजन रैशनैलिटी के साथ। हाउ एवर वी आर परसीविंग एंड आई एम अस्यूमिंग कि आप ये कह रहे हैं, नॉट अस्यूमिंग, आपने यही कहा कि हमें पता नहीं है, विच इज फेयर इनफ, यानी हम उसको सही तरीके से समझ नहीं पा रहे। दूसरी तरफ से अटैक हो रहा है नीरज छतरी और ये जिस तरह के लोग हैं, संजय दीक्षित वगैरह, जो के हाँ दावा जी हाँ जी, जो कि क्लेम करते हैं कि दे अंडरस्टैंड सनातन धर्म, बट दे अकॉर्डिंग टू यू दे डोंट अंडरस्टैंड, ये आपका क्लेम है। मैं आपको ये बताता हूं ना वो कि ज्यादा नुकसान कर हाउ, रहे हैं। हाँ वो ज्यादा, पहली बात ये कि हैव यू एक्चुअली स्पोकन टू देम फर्स्ट ऑफ ऑल, मे बी वो तो खैर वो तो लेते ही नहीं ना किसी को कॉल में, वो तो बुजदिल लोग हैं, हमने आपको ले नहीं लिया नहीं देखे, दो बार उन्होंने ट्राई नहीं लिया, कर उन्होंने नहीं लेंगे वो, ना वो नहीं लेंगे आपको कभी, ना आपको कभी नहीं लेंगे, हम ले लेंगे आपको। अच्छा दूसरी बात ये मेरे भाई, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि यही क्लेम देवबंदी ब्रेलवी के बारे में करता है, ब्रेलवी देवबंदी और अहले हदीस के बारे में करता है, वो शियों के बारे में करते हैं, वो उनके सारे हनफी मालिक एक दूसरे को कहते हैं, दीज आर द सेम आर्गुमेंट। मैं आपको बताता हूँ उसकी प्रॉब्लम विदाउट, क्योंकि ना आपने मुझे समझा देनी है हिंदुइज्म इन नेक्स्ट 5 मिनट्स, ना मे बी आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड सम मेजर पॉइंट्स आपको मैं बता सकूं। देखें, मैं इस चीज को समझता हूं कि आपकी एक जो हिस्ट्री है, यू हैव सो मच डाइवर्सिटी इन थॉट, ठीक है, फिर मैं ये कहता हूं, बट देन इट इज नो लॉन्गर अ रिलीजन, ये एक फिलॉसफी है। अब ये एक फिलॉसफी है जिस तरह हेलेनिस्टिक फिलॉसफी है, जिसके अंदर प्लेटो एंड एरिस्टोटल एंड ये सारे आपस में मिले हुए हैं, बट दे ऑल व स्टूडेंट्स एग्री ऑफ, हाँ, बट दे ऑल हैड डिफरेंट वर्ल्ड व्यू। एरिस्टोटल वाज मोर मटेरियलिस्टिक, व्हेयर प्लेटो वाज अ बिट मोर स्पिरिचुअल इन दैट सेंस, ठीक है, सो ही वाज मोर ऑन सब्जेक्टिव सेंस एंड ही वाज ऑन ऑब्जेक्टिव सेंस, बट एरिस्टोटल वाज प्लेटो स्टूडेंट, ठीक है। तो ये डाइवर्सिटी है, अब उसको हम हेलेनिस्टिक फिलोसफी कहते हैं। अगर आपने हिंदू फिलोसफी की बात करनी है सिविलाइजेशन की, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपकी ये टुन्नी, मैं जिनको हो रहा है रिवाइज दैट है, मैं टुन्नी उनको कह रहा हूं, दोज हु मेक क्लेम्स, ये जो आपके ये वाले लोग हैं, जो आपके नीरज अत्री जैसे लोग हैं, या आपके वो लोग हैं जो डॉगमा बेचते वो हैं, आ रहे हैं। अगर आप मुझे ये कहेंगे कि नहीं भाई हारिस भाई हम तो नास्तिक भी हो सकते हैं, तो ठीक है, फिर मैं तो उसको नहीं कह रहा कुछ, मैं तो इसको कह रहा हूं जो कहता है कि हमारे श्लोकों में ये लिखा हुआ है, बड़ी विजडम है। मैं आपको बता रहा हूं उस विजडम में हर बात विजडम की नहीं हो सकती, दुनिया की किसी बुक में हर बात मैं बोलूं विजडम की नहीं सर, हो, इवन आइंस्टाइन हैज मेड अ ब्लंडर, ठीक है,
बिल्कुल स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, उसने वो कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट ऐड कर दिया अपनी, ही हैज आल्सो मेड अ ब्लंडर अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ। आपके आइजैक न्यूटन ने ब्लंडर बनाया था, आपके आइजैक न्यूटन ने ब्लंडर किया था जब उसने ये कहा था कि ही कुडंट वर्क आउट द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स, ही सेड दिस इज द वर्क ऑफ गॉड, दिस इज वेयर आई स्टॉप। हालांकि अगर वो जाता, ही कुड हैव डिस्कवर्ड, व्हिच लेटर साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर दी वो प्रॉब्लम व्हिच वाज डिस्कवर्ड बाय यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक, सो नथिंग इज परफेक्ट, और यही हम आपको कहते हैं कि आपके श्लोकों में भी देयर इज नथिंग परफेक्ट। यू वांट टू से देयर सम विजडम, ओके, मेरे दादाजी ने भी बड़ी बातें विजडम की थी। मैं बोलूं अच्छा, मैं आपके आपके बोलने से पहले एक बात कहूंगा, जो आपने स्टार्ट में बात की थी कि हिंदू मजहब का नुकसान कर रहे हैं जो भी टुन्नी भाई हैं, या लेकिन ये इसको इस तरह से ले लें कि ये हमें सनातनी मजहब के फायदे बताकर नुकसान कर रहे हैं। यानी ये हमें जब आके फायदे बताते हैं, या कोई मुसलमान फायदे बताता है कुरान के, तो वो खुद फंस जाता है, हमें फायदे नहीं बताए। और ये एक और इल्जाम लगाते हैं कि हम एथियस, इनको जबरदस्ती एथियस करना चाहते हैं। भाई आपकी मर्जी, कोई गन थोड़ी लेके आपके कनपट्टी पे डाला हुआ है, ये बात है जी। नहीं गुलजार जी, वो तो आपकी बात सही है, पर मेरे को दिक्कत क्या, ये दोनों ही नहीं समझते साहब। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ सर, गालिब जी को और आपको। अब होता क्या है साहब, बाकी धर्मों में क्या है, वो एक किताब से बाउंड है सर। हिंदू क्या है सर, आप उनको मतलब किसी भी किताब से बाउंड नहीं कर सकते। ये झूठ है, 99% हिंदू नहीं, वेदास नहीं, तो वेदास नहीं है। प्लीज सर आप बोल रहे थे, वेदास क्या है, मैं बोलूं, वेदास क्या है सर, आप, मैं बोलूं, प्लीज प्लीज बोलूं, आप छोटा छोटा जवाब दे दे। 99% सर, 99% हिंदू वेदों को नहीं जानते सर। हिंदुओं के यही तो इनका इजीनेस है साहब, मुसलमान भी नहीं जानते किसी चीज पे बाउंड्री, वो मुसलमान भी नहीं जानते कुरान को। पर साहब एक मैं को आपको एक बात बताता हूँ, आप एक भी ऐसी चीज नहीं फाइंड कर सकते भी, ये चीज आप हिंदू भी ये चीज कर देगा तो वो हिंदू नहीं रहेगा। जैसे मुसलमानों में अल्लाह को नहीं मानते तो आप मुसलमान नहीं हो, और बाकी धर्मों में भी है, बट हिंदुओं में ऐसी कोई चीज नहीं है भी, आप ये चीज नहीं मानते हो तो आप हिंदू नहीं हो, ये झूठ है। बेसिक्स आप जानते हैं, आप पुनर्जन्म को भी मानेंगे, आप कॉन्शियसनेस को भी मानेंगे। साहब एक बात बता दीजिए भाई, इसको नहीं मानेंगे तो आप हिंदू नहीं हो, ऐसी कोई बात है ही नहीं साहब हिंदुओं में। वो तो आपका एटीट्यूड है ना, एक सेकंड, वेरी गुड पॉइंट, छोटा सा, ये तो आपका एटीट्यूड अब है ना। अब यहाँ पे वेदा के अंदर ये वर्सेस लिखी हुई है कि उनको बर्बाद कर दो जिन्होंने जो जो हमारे रिचुअल्स को नहीं मानता, जो हमारे से डिफरेंट है उनको बर्बाद कर दो। ठीक है, ये तो दवा दी जा रही है हिंदुओं में, यही तो खूब ओहो खूबी, ठहर जो मैं आपको खूबी मुसलमानों के भी समझाता हूँ, खूबी खूबियां ही खूबियां हैं, खूबी तो ये तो आपने बना दिया ना। अब तो आप जो मुसलमान, एक ही खूबी, ओ नहीं नहीं और भी मैं आपको खूबी भी बताता हूँ। ये आपने लिखा हुआ ना आपकी मोस्ट सेक्रेट बुक में, मैं आपको एक कुरान के अंदर बातें लिखी हुई, अभी गए हो तो फलाना है तो बुराइयां लिखी हुई है, ये इस तरह काफरों को ये करो वो करो। अब एक सेक्ट निकल आता है विद इन इस्लाम जो इन सारी चीजों को फेंक देता। अब अहमदीज जो है दे आर वेरी एनलाइटनड नाउ, दे डोंट बिलीव इन एनी ऑफ दीस कुरानिक वर्सेस, तो अब वो बट दे आर ऑल्सो मुस्लिम। ठीक है, बाकी लोगों ने उनको कहा कि आप मुसलमान नहीं हो, बट दे से वी आर मुस्लिम, हम मुसलमान है। गे मुस्लिम्स आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम गे भी हैं और मुसलमान भी हैं, तो ये तो लोगों के कॉन्स्ट्रक्ट है ना, ये तो सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है कि आपने अब क्या गारंटी कर सकते हैं आज से 100 साल के बाद कि जो जितने भी मुसलमान होंगे दे विल बी प्रो गो प्रो गे, दे विल बी प्रो यू नो, दे विल बी एंटी जहाद, दे विल बी एंटी शरिया लॉ, दे विल बी प्रो सेक्युलरिज्म। जब ये हो जाएगा विल दैट मेक इट ट्रू, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। तो आपने अगर हिंदू टाइटल के ऊपर आपने इतनी जज्बात दिखाने हैं, तो इसीलिए तो मैंने आपको कहा टुन्नी कह रहा हूं मैं उनको जो ये बिलीव करते हैं, आपको उससे क्या प्रॉब्लम है। हम हिंदू, अगर आपने नाम का हिंदू रहना, मैं भी अपने नाम के साथ मुस्लिम लगा देता हूँ, नाम का मुसलमान, मैं अल्लाह पे यकीन नहीं करता, रसूल अल्लाह बढ़ाया मैं मुस्लिम, बड़े लोग कहते हैं वी आर कल्चरली मुस्लिम, तो ये तो लोगों के मानने ना मानने की बात है ना। तो लोग अगर मानने लग जाएंगे आज से 50 साल बाद, फिर क्या करेंगे आप। सब मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूँ, मेरे जो नीर एंड डियर है भाई, उनको उन्होंने वेदों के बारे में उनको नहीं पता, नहीं उनको वो वेदों के बारे में कोई चीज मानने के लिए तो बाउंड है बाकी धर्मों सर, बाकी धर्मों में है, आप अल्लाह को या आप एक बुक को बाउंड हो सब, इसमें यार कोई चीज बाउंड नहीं है। आपको मैंने आप मेरे सवाल को मेरी प्रोपोजिशन को नहीं आप अभी तक समझे, आप समझ गया सर, मैं आपकी लॉजिक को समझ गया, क्या मैंने समझ गया सर, क्या कहा मैंने सर, आपने ये कहा भी अब भी मैं केवल हिंदू केवल नाम से रह सकता हूं अगर मैं उन चीजों को अगर नहीं मानता हूं तो,
और मुसलमानों का क्या रेफरेंस दिया मैंने आपको? मुसलमानों को आपने रेफरेंस जिस हिसाब से, जैसे आपने उनका रेफरेंस दिया, अहमदिया का दिया और गेज का दिया, कभी मैंने वो नहीं, भी अपने मैंने आप को पॉइंट वो क्या था कभी उसमें, उसमें पॉइंट क्या था मेरा, उसमें पॉइंट मेरा ये था कि ये सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। अगर आपको आज से 50 साल बाद मुसलमान इतने मिल जाएं जो कहें कि हाँ फिर भी तुम मुसलमान हो, हम तुम्हें काफर नहीं कहते, यू आर स्टिल अ मुस्लिम ब्रदर इफ यू बिलीव, इफ यू आर गे एंड यू डोंट बिलीव इन अल्लाह, फिर क्या करेंगे आप? पर उनमें एक चीज तो यार रहेगा डॉक्टर सर, अल्लाह अंबेडकर ने यह यहाँ पे तो वो कहा था भी कि नहीं है सर, मुसलमान सब यहाँ पे तो, वहां पे अल्लाह तो रहेगा ना सर, यहाँ पे तो वो भी नहीं, नहीं है, नहीं और यहाँ पे नहीं कोई नहीं नहीं क्रिश्चियन को रहेगा। मानता है कुछ। ओहो ओहो, मैं कह रहा हूं अगर नहीं रहता, अगर उनकी थियोलॉजी जो, ये तो सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है ना, वैसे अगर मैं उनकी, आपको एक एक बात सेकंड एक बता सेकंड खाली, लेट मी सकता रैप इट अप, आई थिंक आई हूँ, गॉट हिम। मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर वो ये कहेंगे फिर क्या करेंगे आप? तब आप इस, तब आप क्या कहेंगे, तब क्या इस्लाम को क्या कहेंगे? मैं ये तो सोचूंगा, अब ये तो मैं हार्ड क्वेश्चन सोचूंगा है सर, नहीं, सोचूंगा। ना आप जैसे ना बुद्धिजीवियों का क्वेश्चन है साहब, इतनी जल्दी आंसर थोड़ी दे दूंगा मैं। ना, बुद्धि जीवन के नहीं, फांसी। मैं आपको ये बता रहा हूं, इसमें पॉइंट ये है, दिस इज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, ये इंसान के बनाए हुए मेरे को मियार इसकी है। हिंदी नहीं आ रही है, एक तो मेरे को साहब इसका इंग्लिश इसका की हिंदी मतलब नहीं आ है रही आपकी, सोशल समाजी, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब। इसका मतलब है समाज की बनाई हुई चीजें। इसका मतलब है कि ये आपने, अगर आजकल के हिंदू ये कहते हैं कि भाई तुम नहीं मानते रावण और किशन कन्हैया और किसी, तो फिर भी तुम हिंदू हो, तो ये तो आजकल के लोगों ने सोच के बनाया, या उन लोगों ने जो ये बातें अगर इसके खिलाफ लिखते भी थे, चार्वाका स्कूल ऑफ थॉट की आप लोग बड़ी बात करते हैं, चार्वाकास वर कंडेम्ड, चार्वाकास को तो वो, तो वो दे केम आउट इन स्पाइट ऑफ दैट, वो तो आपकी जो वेदास थी उनके खिलाफ उन्होंने बोला था, वो तो हमारे मुसलमानों में बिल्कुल उन्होंने, बिल्कुल हाँ नहीं, तो अगर वो भी अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, तो मैं तो जो, अगर फिर एक्स मुस्लिम है वो भी एक तरीके के मुसलमान ही, बिकॉज वी हैव कम आउट ऑफ दैट। तो ये सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, समाज की दिक्कत बनाई हुई वही। चीजें। मेरा, मैं फिर आपको रैप अप यहां पे करूंगा, एंड आई विल गिव इट टू गालिब, या आप इसको सोचिएगा इसके बारे में बाद में भी। जिसकी टुन्नी जिसको हम कह रहे हैं, वो लोग हैं जिसको आप कह रहे हैं कि वो भी हिंदुइज्म खराब कर रहे हैं, वही हिंदू, आप ये मुझे कह रहे हैं जो ज्यादा कर हिंदुइज्म दिया पे, आप मुझे ये कह रहे हैं जो हिंदुइज्म पे मानता ही नहीं है वो भी हिंदू है, आप ये मुझे कह रहे हैं असल में, आप कह रहे हैं जो वेदास और रामायण और उनको नहीं मानता वो भी हिंदू है, तो भाई फिर रह के क्या पीछे? मैं भी किसी सब, चीज को आपको इस्लाम ये को मानता, मैं इजी मुसलमान हूं। मैं बोलूँ वो सर आपको फ्रीडम देता है, भी आप मत मानो तो भी आप हो, आप अगर इवन और आप कौन ये देता कहते हो भी है, मैं ये, कौन है हाँ जी, ये, कौन है ये जो 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 देता है? हजारों सालों से जो कल्चर चला रहा है ना सर, वो दे रहा है, इतने ओ गोड है, दैट, इतना सिस्टम है, इतना ये दे रहा है साहब। आई हैव मैं अ आपको क्वेश्चन ये, हियर, मैं यार एक सेकंड, मैं आपको ये, मैं आपको एक बात बता देता हूँ जो कि हिंदू नहीं कर सकते। वो क्या है, अपनी अपनी जात नहीं बदल सकते, ब्राह्मण शूद्र नहीं हो सकता, शूद्र ब्राह्मण नहीं, ठीक है। आज की दुनिया में ये चाहे जो मर्जी कहें, पीछे ऐसा नहीं था, बिल्कुल 100% इम्प्रैक्टिकल बात है कि कोई ब्राह्मण आज शूद्र नहीं हो सकता, शूद्र ब्राह्मण नहीं हो सकता, ठीक है, जात नहीं बदल सकते। बाय लो नहीं हो डॉक्टर सकता, अम्बेडकर वैसे हो ने, नहीं सकता बात सर। सुने ना, तसल्ली से सुने, डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा था ओके सॉरी, हिंदुइज्म का जो मसला है वो ये है कि हिंदुइज्म लोगों को प्रोस्टेलाइज प्रोस्टेलाइज भी नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता? उसकी वजह यह है कि उनको किस जात में फिट करेंगे। आज कई गोरे, ठीक है, जा रहे हैं दुनिया में, ये लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, वो किसी भी जात में फिट नहीं होते, ठीक है। वो पंडित भी कभी गोरा नहीं बन सकता, ठीक है। शायद कोई एक आधा कोई टेम्पल हो जिधर कोई गोरा दिखाने के लिए बना दिया हो, वो भी जिस तरह मुसलमानों ने ये मॉडल बनाई होती हैं जो कन्वर्ट हो जाती हैं, इसी तरह इन्होंने भी यही किया होता है। तो मेन जो बात है असल में यह है कि इंडिया में 99.9999% जो मंदिर है वो सारे ब्राह्मणों के पास में, ठीक है। वो किसी किसी के पास, किसी बिल्कुल शूद्र के है, पास, किसी वैश्या के पास कोई मंदिर नहीं है, ठीक है ना, मंदिर उनके आ पास रहे है, हैं सर, अब आ रहे सही हैं, है। हाँ, अब आ रहे नहीं है, अब आ रहे अभी हैं। भी वही है ना, वो जाहिर आप तो बात अभी है कह रहे थे कि उनको थाउजेंड कौन नहीं ईयर्स का मानता, कल्चर है कि जिसने उनको इजाजत दी है, ठीक आप अभी तक है। मंदिर तो उनको दिलवा नहीं सके। हाँ, साहब तो मंदिर में ये कोई, सामाजिक बुराई है साहब, मंदिरों में ये आज भी भी शुगर समाजी नहीं जा सकते, बनाया है ना, यही तो मैं आपको आज कह भी रहा हूं, ये शुगर नहीं जा समाजी सकते। स्टैंडर्ड वो है आपने जो बनाया अभी अभी। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मुसलमान नहीं हर किसी साहब, को जबरदस्ती इस्लाम से खारिज करते हैं, और हिंदू ऐसे हैं कि जो मेरा छोड़ के चला क्वेश्चन जाता है उसको भी कहते हैं नहीं तू हिंदू ही है, सर, मैं भी और एक उसको सवाल हिंदू पूछ शील रहा जाते हूँ, हैं, सर कहते हैं मेरे हम भी साथ हिंदू दोबारा हैं। उसे याद दिलवाते हैं कि तू सर हिंदू है मेरा और क्वेश्चन कहाँ ये था जाता भी, है हिंदू। ऐसी कोई चीज नहीं अभी, जी मेरा भाई ओ आपसे सॉरी, एक आप सवाल बोलो, है, आपकी मेरा एक आपको सवाल नजर है नहीं आ रही, हाँ तो है, हाँ भाई, जी, हाँ तो मैं हर आपकी हर बात से अग्री कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन एक सवाल भी है साथ। अरे ये वाह, हाँ बताएं आप जी, हाँ जी, कौन सी ऐसी चीज
सनातन की मानते हैं, बताइए कौन सा ऐसा हिंदू मजहब का एक चीज है जो आप बिल्कुल मानते हैं? आपने कहा ना मेरी मर्जी, मैं जो मानू ना मानू तब भी मैं हिंदू रहूंगा, तो आई एम आस्किंग यू वो कौन सी एक चीज है जो आप मानते हैं? हाँ ये सर, ये मैं इसी चीज पे आना चाह रहा था कि आप सारी चीजों को डिनाई कर दो, आप केवल अगर कर्म पे यू करते हो ना, भी आर मैं डॉजिंग केवल माई अच्छे क्वेश्चन काम करूंगा तो भी भाईजान, आप हिंदू। यू आर डॉजिंग माई क्वेश्चन, आई एम नॉट सेइंग इट। आपकी मैंने बात मान ली ना कि आप कोई चीज को डिनाई कर दो, कोई चीज को मान लो, मैंने मान लिया। अब आप अपने आप को हिंदू कहते हो, यस और नो? हाँ जी यस, ओके। अब मैं बता हाँ रहा हूं जी कोई कहता एक हूँ। ऐसी चीज तो होगी जिसको आप मानते हो हिंदू मजहब की, जब ही तो हिंदू कह रहे हो अपने आप को, कोई एक चीज हाँ है जो मानते हो? अब भाई अच्छे कर्म करूंगा तो मेरे साथ अच्छा होगा, और मेरा वो क्या बोलते हैं, आफ्टर लाइफ नहीं मानता मैं, बट मेरा मतलब जीवन अच्छा रहेगा, मैं अच्छे कर्म हाँ तो ये करूंगा तो। गलत है, तो ये गलत है, ये इसका कोई एविडेंस नहीं है। फंस नहीं सर, मैं गए एविडेंस ना नहीं है, यहाँ मैं पर ये आप, नहीं कह रहा एक सर मिनट, एविडेंस जरूरी नहीं है थोड़ी है। ओ भाई बस जरूरी थोड़ी है, मैंने कई, मेरे दोस्त हैं उन्होंने जिंदगी भर अच्छा किया, उनके साथ बुरा हुआ, तो ये आपका फेथ है या हाँ, बिलीफ है? ये बात आपका, ये फेथ है या बिलीफ ये है सब ये जो आप मेरा, कह रहे हो? ये मेरे को हिंदू धर्म ये कहता है कि भी आप अगर, मैं गोड को भी नहीं आप मानता, मैं डेफिनेशन मंदिर के भी नहीं जवाब जाता, मैं समझो कुछ मैं भी नहीं आपसे। जाता। हाँ ठीक है, आपका ये फेथ है भाई या बिलीफ है कि हाँ अच्छे जी कर्म करूंगा तो अच्छा मिलेगा? आपका फेथ है या बिलीफ है? मतलब अच्छे कर्म मतलब इसका मेरे साथ अच्छे होने की संभावना रहेगी, ये नहीं भी अच्छा ही होगा, इससे यार मैं भी, गोलमटोल बात है, इससे चले आप इसी मेरा पे, आप इसको मेरे बिलीव साथ करते गोल रहे। मटोल। लुक, आप इसको बिलीव करते रहे, कार्मा पे भी नहीं सर कर रहे हैं, आप मेरा दूसरे कहने का जनों पे भी मतलब कर ये, रहे हैं। सनी साहब अरे सर, मेरा 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 कहने का मतलब ये था, ये जो टुंडी साहब ये कर रहे हैं ना, ये साहब क्या कह रहे हैं, ये आप मतलब ये बाउंड कर रहे हैं एक चीज पे भी, ये मतलब अपनी बुक से कुछ गंदी चीज उठा ये लाएंगे, आपके वैसे ही आपके जो कल्चर से ही आया आपके, ना, आपके कल्चर से ही आया हाँ वो ना। तो है। हाँ तो बात, और बात फिर और यही सर आ गई, और बात फिर वही आ गई कि जो हिंदुइज्म, जिस जो डेफिनेशन आपने बनाई है हिंदुइज्म की और जो डेफिनेशन उन्होंने बनाई है, उन दोनों में क्लैश है, विच इज द रिजल्ट ऑफ द फेलियर एंड द लूजनेस एंड द वेगनेस ऑफ योर रिलीजन। ये भी अब आपके ये पावर कल्चर भी का है। ही प्रॉब्लम है, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ योर हिंदुइज्म, जिसकी वजह से कुछ लोग इसकी ये समझ रहे हैं, कुछ लोग उसको वो समझ रहे हैं। हम इस्लाम पे क्यों तनकीद करते हैं? हम कहते हैं कुरान को एक आयत को एक बाबे को पढ़ाओ, एक बाबे को पढ़ाओ, वो डिफरेंट मतलब निकालते हैं। आप लोगों का भी डिफरेंट रिलीजन निकला हुआ, तो ये आपके अपने स्टैंडर्ड है। मैं कल को एक, मैंने आपको बताया ना, अहमदी नहीं बिलीव करते इन चीजों को, वो कहते हैं हम मुसलमान है, बाकी मुसलमान कहते नहीं है मुसलमान। तो ये इसकी, ये ब्यूटी है इस्लाम की? नहीं ना, दीज आर द सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, ये लोगों ने बनाए हुए अपने कॉन्स्ट्रक्ट। आपको टुन्नी नहीं कहेगा कि आप हिंदू हो, आपको तो नहीं कहेगा ये पागल है ये कोई, आप उसको कह रहे हैं ये पागल है कोई। तो भाई हेलो आप जो मुझे बता रहे हो कि ये रिलीजन हिंदुइज्म ये है, ये आपकी डेफिनेशन है, यू नो, आप पहले अपने लोगों को समझाएं फिर सर, हमें पर समझाइएगा। एक सर एक 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 लास्ट बात कर लूं सर। एक तो हिंदू धर्म की दो चीजें हैं साहब, एक तो पहली चीज ये कि इसके साथ में जो भी धर्म आता है तो इसकी कमियां उस धर्म में चली जाती हैं जी, जैसे जातिवादी और ये जो भी धर्म हिंदू धर्म के संपर्क में आए। और दूसरी बात ये साहब, जितना इस पे जैसे आज चुन्नियों के कारण इस पे इसकी मतलब बुराई हो रही है, कुछ भी हो रहा है, बट इसके साथ हिंदू धर्म स्ट्रोंग होके निकलता है। हिंदू धर्म में ये खासियत है साहब, ये आज जो हाँ तुमने इसमें ठीक है, बुराइयां ला रहे हैं ना, तो ये बात ठीक बुराइयों है, फिर से आप उसको स्ट्रॉन्ग इसमें किए चेंज हो जाएगा। अच्छा चले, आप उसको स्ट्रॉन्ग किए जाए, आप आयुर्वेदा को निकाल दें, आप इसको एस्ट्रोलॉजी को निकाल दें, पुनर्जन्म, आप पुनर्जन्म को, हाँ जी बिल्कुल कास्ट सिस्टम को निकाल दें, पूनम जन्म को निकाल दें। पिछले हजारों बिल्कुल। सालों से तो आप इन डॉगमों को निकाल नहीं सके, बड़ा मजबूत हो गया आपका रिलीजन, तो आप पहले उसको निकाल कास्टिज्म तो मेरे अंदर से नहीं दें, निकल फिर रहा जी, आप यही नहीं सब कास्टिज्म तो मेरे अंदर से ही नहीं निकल रहा, बहुत प्रोग्रेसिव हूँ हो फिर भाई। भी नहीं हाँ निकल तो रहा, बस पता फिर नहीं ऐसे ही है क्या। ना, फिर ये आपके, फिर यही है, इसी की हम, इसी की कमर तोड़ते रहते हैं हम हर वक्त, कि ये जो इनग्रेन्ड रेसिज्म है, ये कास्टिज्म है, तो छोड़े इसको, चले। थैंक यू कुछ लोग ऐसे होते हैं जो के प्रॉब्लम को देख के उसका सलूशन नहीं करते, ठीक है, बल्कि वो सलूशन ही ऐसा बनाते हैं कि प्रॉब्लम डिसअपीयर हो जाए बस, हाँ ठीक है। प्रॉब्लम होता है ना एक, उसे उसे उसको सॉल्व करना होता है, तो कुछ लोग होते हैं वो प्रॉब्लम को गायब कर देते हैं। ये मेन प्रॉब्लम इधर हिंदुइज्म का जो प्रॉब्लम है ना, वो यही है कि ये उस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करने से ही भाग जाते हैं, कहते हैं कि प्रॉब्लम है ही नहीं है, ठीक है। तो ये कहना कि जी हिंदुइज्म में तो सबको एक्सेप्ट किया जाता है, हालांकि एक्सेप्ट नहीं किया जाता, बस ये घिसे पिटे नारे हैं, जैसे इस्लाम में भी इस तरह के घिसे पिटे नारे हैं, क्रिश्चियनिटी में भी इस तरह के घिसे पिटे नारे हैं, ठीक है। हम शिर्क नहीं करेंगे, ठीक है, दूसरी तरफ बरेलवी जाके मज़ारों पर सजदे कर रहा है, ठीक है। वो उसका नारा यही है कि शिर्क हम नहीं करेंगे, मगर ये आगे
अब इनका भी यही है जी, हम हमारे अंदर कास्ट सिस्टम नहीं है, मगर ये दूसरी जात की लड़की से शादी करते हुए या अपनी बहन का रिश्ता दूसरी जात के लड़के को देते हुए इनको मौत आ जाएगी, ठीक है, इनका हुक्का पानी पूरी सोसाइटी, अगर इनका कोई पड़ोसी, इनका कोई गांव का बच्चा ऐसी शादी कर लेगा तो ये उसके बाइकाट में साथ खड़े होंगे और आपको आगे ये कहेंगे कि जी हम जो है वो कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते। भाई जब तुमने दूसरी जात पे शादी करने वाले को कितने ऐसी की तैसी कर दी और तुम दूसरी तरफ कह रहे हो कि हिंदुइज्म में कोई बुराई नहीं है, तो फिर ये तुम कहां से लेके आए हो, ये नहीं, वो भाई वो खुद, इसमें तो नहीं मिली ये बुराइयां, वो खुद कह गए हैं, वो खुद कह गए हैं कि कास्टिज्म मेरे अंदर से नहीं निकल रही औरों से कहां से निकलेगी। लेकिन दूसरी बात ये है, अब ये लिटरली ये कह के गए हैं कि भाई यू कैन नॉट, आप हर किसी भी चीज को ना बिलीव करें हिंदुइज्म में, तो भाई आपने किसी भी चीज को नहीं बिलीव किया तो फिर आप वो कैसे हो गए, फिर आप वो हिंदू कैसे रह गए जब आप किसी भी चीज में बिलीव नहीं करते। ये ऐसे है कि आप अपनी मेडिकल एलोपैथी, जिसको ये कहते हैं एलोपैथी, आप अपनी मेडिकल साइंस की किसी भी चीज में बिलीव ना करें तो फिर आप उस चीज के डॉक्टर कैसे हो गए, फिर आप अपने प्रेस्क्रिप्शन कैसे लिख के देंगे कि अगर उसको मलेरिया हो गया तो ये दवाई खा ले, इफ यू डोंट बिलीव इन इट कि इस दवाई से उसका हल होगा। सो ये ऐसी गोल मटोल घन चक्कर इलॉजिकल बातें हैं जिसका जो लॉजिक से भी कहीं से सेटिस्फाई नहीं होती। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।